जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपनी जगह पर खुश रहें, माँ से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, भले ही आप आराम से बैठे रहें, आप कुछ भी नहीं कर रहे, परंतु फिर भी आपके शरीर के अंदर कितनी क्रियाएं होती रहती हैं आप इसे जान भी नहीं सकते। हमारे हार्ट, हमारे फेफड़े, हमारी किडनी, हमारा लीवर, हमारी हर कोशिकाएं, हमारा मस्तिष्क एक क्षण भी आराम नहीं करता है। जिस प्रकार की क्रियाएं अंदर हो रही हैं हमें दिखाई नहीं देती, इसी प्रकार की क्रियाएं बाहर भी हर पल होती रहती है। आप समझ नहीं पाते कि प्रतिपल जो हम श्वास ले रहे हैं उस श्वास में क्या अंदर जा रहा है और क्या बाहर आ रहा है। इसी श्वास के द्वारा ही प्रवेश कर जाती हैं वे विघटनकारी शक्तियां जो हमें प्रताड़ित करती हैं, दुखी करती हैं, जिन्हें हम बाह्य दोष बोल देते हैं, किसी का किया कराया बोल देते हैं, भूत प्रेत बोल देते हैं। हाँ, आप चाहे उसे कुछ भी बोलें, पर यह प्रतिपल जो घटनाएं घटती रहती हैं इन्हीं का परिणाम है कि हम समझ नहीं पाते और हर श्वास में वो पावर होती है कि जिसमें सात्विक शक्तियां भी होती हैं और नकारात्मक शक्तियां भी होती हैं। अब आप कहीं पर बाहर जा रहे हैं तो यह शक्तियां आपको अधिक दिखाई देंगी। बाहर इतनी नकारात्मक चीजें हैं जो आप पर प्रभाव डालती हैं और प्रतिपल प्रभाव डालती हैं। आप का गण उत्तम है या कमजोर है? गण पिछले जन्म के संस्कारों से बनता है। अब यदि कमजोर है तो समझ लेना कि जो भी आपके शत्रु हैं आपके ऊपर हावी रहेंगे। आप बाहर जाते हैं, एक साधारण सा व्यक्ति भी आपके काम में रोड़े अटका देगा, काम भी नहीं बन पाएंगे और कोई ना कोई नकारात्मक आपको पीड़ा देने वाली शक्ति भी आप में प्रवेश कर जाएगी। यह हकीकत है। अब इनसे कैसे बचें? मैं बिल्कुल दो चीजें, वैसे तो इनको तांत्रिक प्रयोग में भी प्रयोग में लाया जाता है, परंतु ये सात्विक चीजें अपने रसोई घर की ही हैं। आप चार काली मिर्च, दोस्तों महाकाली को अति प्रिय है, हम विशेष रूप से यज्ञ में काली मिर्चों से महाकाली की जब यज्ञ में आहुति देते हैं तो इनकी आहुतियां दी जाती हैं। और यदि आपके पास यह चार काली मिर्च जब आप बाहर जाओ तब आपके साथ में हो तो किसी प्रकार की भी बाहर से कोई शत्रु पीड़ा या ऐसी पीड़ा जो किसी के द्वारा अनायास पैदा की जाए आ ही नहीं सकती और आपका कार्य आसानी से बन जाएगा। इसी प्रकार से माँ बगलामुखी, जिनको पीली सरसों विशेष प्रिय है और हम इसका कई बार प्रयोग भी डालते हैं, अपनी पीड़ाओं को दूर करने के लिए इसे अपने सर पर से घुमा करके यज्ञ में आहुति भी लगाते हैं। आपने कई बार इसे देखा होगा।
दोस्तों, मां बगलामुखी किसी भी प्रकार की कोई बाहरी पीड़ा हो, शत्रु की पीड़ा हो, कार्य नहीं बनता हो, बाहर आपका कोई कार्य रुका हुआ है, आपको किसी पर विजय प्राप्त करनी है, किसी से कोई कार्य करवाना है, 100% कार्य बनने लगेगा। आपको अपने पास जब बाहर जाएं तो यह रखना है, तो आपने एक कागज में थोड़ी सी एक चम्मच भर पीली सरसों और उसमें चार काली मिर्च डाल लें, पुड़िया बना लें। उसको जब भी आप किसी काम से बाहर जाते हैं, आपका काम अटका हुआ है या परेशानी है आपको किसी से, तो आप अपनी जेब में रख ले जाएं। जो भी कार्य है उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी और आपका काम बनता चला जाएगा। जब आप वापस आएं तो अपने घर आने से पहले इस कागज को खोलें और उस सामग्री को जो अपनी नाली बाहर जाती है जिसमें पानी निकलता है वहाँ पर इसको डाल दें। जो भी ईड़ा पीड़ा रास्ते में इनमें आई, यह इनको सबको एब्जॉर्ब कर लेती है और जब आप इनको बाहर डालेंगे तो वह नष्ट हो जाती है, किसी प्रकार से घर में प्रवेश नहीं करती। हाँ, याद रख करके इसे बाहर जरूर डाल दें। अगली बार जाएं तो फिर ऐसा ही अपनी नई पुड़िया बना ले जाएं, अपने पास में रख लेना, इन्हें कर लेना दोस्तों, बहुत अच्छा प्रयोग है, करेंगे तो आपको भरपूर लाभ होगा, अच्छा लगता है। अपने यार दोस्तों को इसे जरूर बताएं। आपके लिए सिर्फ इतना ही, आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों अगले अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।